टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, स्टार ऑलराउंडर वर्ल्ड कप से हुए बाहर। वर्ल्ड कप स्क्वाड में कर्नाटक के खिलाड़ी ने बनाई जगह। हार्दिक के बिना जीत पाएगी टीम इंडिया विश्व कप? विश्व कप में अब तक भारतीय टीम अपराजित रही है। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीता है। भारत ने अपने सभी 7 मैचों में विरोधियों को कोई मौका नहीं दिया है और बड़ी से बड़ी टीमों को धूल चटाई है। भारत के 14 अंक हैं और वह पॉइंट्स टेबल में भी शीर्ष पर है। टीम इंडिया के बैट्समैन और बॉलर शानदार लय में नजर आ रहे हैं और अब जब सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले नजदीक हैं तो टीम इंडिया को इस बीच एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोट के कारण 2023 विश्व कप से बाहर हो गए हैं और जैसे ही यह खबर सामने आई भारतीय क्रिकेट फैंस निराश हो गए। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में हार्दिक पांड्या को बाएं टखने में चोट लगी थी जिसके बाद उन्हें फौरन मैदान से बाहर जाना पड़ा था और एनसीए बेंगलुरु में डॉक्टर की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। फैंस को उम्मीद थी कि पांड्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले फिट हो जाएंगे, लेकिन बीसीसीआई और आईसीसी ने आज ट्वीट कर जानकारी दी कि हार्दिक विश्व कप से बाहर हो चुके हैं और उनके स्थान पर भारत के युवा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पहले ही पक्की कर ली है और अब टीम इंडिया को कल एक बड़ा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन में खेलना है। अब देखना होगा कि हार्दिक के बिना भारतीय टीम जिस तरह से अब तक शानदार प्रदर्शन करती आई है, क्या वह प्रदर्शन बरकरार रहेगा या फिर कोच राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव कर सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना कम नजर आ रही है क्योंकि सूर्यकुमार यादव और मोहम्मद शमी की वापसी से भारतीय टीम और भी ज्यादा संतुलित लग रही है। शमी तो अलग ही लय में नजर आ रहे हैं और उन्होंने 3 मैचों में 14 विकेट अपने नाम कर लिए हैं और वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सर्वाधिक 45 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने जहीर खान और जवागल श्रीनाथ जैसे गेंदबाजों को काफी पीछे छोड़ दिया है। प्रसिद्ध कृष्णा ने भारत की ओर से अब तक कुल 17 मैच खेले हैं और 29 विकेट हासिल किए हैं। इस साल प्रसिद्ध ने 3 वनडे मैच खेले हैं जिसमें से 4 विकेट प्राप्त किए। विश्व कप में आज सुपर सैटरडे है, आज 2 महामुकाबले खेले जा रहे हैं। पहला मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है तो वहीं दूसरा मैच दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच बस कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पूरी तरह से पक्की कर ली है तो वहीं साउथ अफ्रीका का भी पहुंचना लगभग तय है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमों में से कोई 2 टीम अब सेमीफाइनल में पहुंचेगी और इसके लिए पूरी दमखम के साथ सभी 4 टीम क्रिकेट के मैदान में लोहा ले रही है।